नमस्कार, मैं हूँ उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा सवाल हमारे सामने आ रहा है कि क्या अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है पाकिस्तान। सुरक्षा एजेंसियों ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती पूरी तरह बंद होने के बाद पाकिस्तान अपने पूर्व सैनिकों को आतंकी बनाकर भेज रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जम्मू इलाके में पिछले 1.5 महीने के आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिकों की संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में भारी मतदान के बाद पाकिस्तान हताशा में विधानसभा चुनाव के पहले माहौल खराब करने के लिए जम्मू इलाके में हमलों को अंजाम दे रहा था। 4 जून को लगभग चुनाव के नतीजों के बाद 1.5 महीने में 9 आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों के 12 जवान मारे गए और 13 घायल हुए। जम्मू कश्मीर से जुड़े सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि कश्मीर घाटी की तरह से जम्मू इलाके में आतंकियों की मदद करने वाला ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क को ध्वस्त करने में सफलता नहीं मिली है। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, रियासी, कठुआ के मुश्किल भौगोलिक इलाकों में पिछले 2 दशक में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क खड़ा किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से आने वाले आतंकियों को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने का काम करते थे। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले ये ओवरग्राउंड वर्कर जंगलों और दुर्गम इलाकों में छोटे छोटे घर बना रहे हैं। रियासी जिलों में हिंदू भक्तों की बस पर गोली चलाने वाले आतंकियों को ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर ने मदद की थी। उनके अनुसार इस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को ध्वस्त करना सुरक्षा एजेंसियों की पहली प्राथमिकता है। आतंकी हमलों में पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों के इस्तेमाल के स्पष्ट संकेत पहली बार रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से मिले हैं। इन आतंकियों के पास से मिले हथियारों और सैटेलाइट फ़ोन उसी प्रकार के थे जैसे पाकिस्तान की सेना उपयोग करती है। ये आतंकी जंगल वॉरफेयर में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, जिसकी वजह से इनके पाकिस्तान सेना से जुड़े होने और इनके पाकिस्तान के पैराट्रूपर्स डिवीज़न से होने का आशंका है। सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सेना की प्रशिक्षित इन आतंकियों से निपटने के लिए अलग तरह की रणनीति बनानी होगी और इसके लिए सुरक्षा की कमियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह से दूर करना होगा। उनके अनुसार कोरोना काल के पहले जम्मू इलाके के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी सेना व पुलिस की छोटी छोटी टुकड़ी को तैनात किया जाता था और 15-20 के अंतराल पर तैनात जवानों को बदल दिया जाता था, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बदलकर स्थानीय पुलिस को लगातार आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए फैसला लिया गया था, जो सफल साबित नहीं हुआ। अब दुर्गम और सुरक्षा की दृष्टि के अहम इन स्थानों पर प्रशिक्षित जवानों की दोबारा तैनाती पर विचार किया जा रहा है ताकि आतंकियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जम्मू इलाके की भौगोलिक स्थिति आतंकियों के घुसपैठ और घात लगाकर हमला करने में ज़रूर मददगार साबित हो रहा है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा एजेंसी ज़रूर रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कश्मीर की तरह जम्मू इलाके में आतंकवाद पर लगाम लगाने में सफलता मिलेगी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।